नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं दिवाली के त्योहार। दिवाली का त्योहार जगमगाने के लिए रोशनी से अपने घर को रोशन करने के लिए त्योहार माना जाता है। और दिवाली के इस त्योहार पर हम लोग दीपक जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं और अपने घर को रोशनी नुमा कर देते हैं। लेकिन हम सभी दिए आर्टिफिशियल लेकर आते हैं या फिर हम मार्केट से खरीद कर दीपक लेकर आते हैं और उसे थोड़ा सा डेकोरेट करके अपने घर पर लगा देते हैं। दीपक से जो रोशनी होती है वह अपने घर को और भी ज़्यादा रोशनी नुमा कर देती है, जिससे हमारा घर और भी ज़्यादा अच्छा और सुंदर लगता है। लेकिन आज मैं बताने जा रही हूँ कि अपने घर पर हम लोग दीपक किस तरह तैयार कर सकते हैं। यदि हम अपने घर पर दीपक तैयार करते हैं और उनसे रोशनी अपने घर में फैलाते हैं तो वह इस दिवाली आपके घर में और भी ज्यादा खुशियां लेकर आ सकते हैं। तो आज जानते हैं कि कौन से दीपक हम तैयार कर सकते हैं अपने ही घर पर। हम सभी जानते हैं सिरेमिक एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें हम गोंद मिलाकर उससे दीपक तैयार किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हम अपने घर में रोशनी करने के लिए दीपक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि मिट्टी से बनाए गए दीपक और भी ज्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिवाली के दिन भी हम लक्ष्मी और गणेश यानी कि सौती जिसे हम कहते हैं वह हम मिट्टी के ही लेकर आते हैं। चाहे आप किसी भी पात्र के लेकर आए लेकिन मिट्टी की सौती आना जरूरी होता है। इसी प्रकार से हम घर में अपने दीपक जलाने के लिए हर तरह के दीपक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिरेमिक से दीपक बनाने पर हम लोग कटोरी की सहायता से उसे दीपक का आकार दे सकते हैं और फिर उसे डेकोरेट करने के बाद अपने घर में सजा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में और भी ज्यादा अच्छा रहेगा और आपको नए अवसर भी मिल सकते हैं। नंबर दो, यदि आप सिरेमिक के दीपक बना रहे हैं तो बनाते समय यह भी ध्यान रखें कि उसमें थोड़ा सा आटा भी मिला लें, क्योंकि आटा हमारे घर में ज्यादातर यूज होता है। हर जगह पर हर शुभ कार्य में आटे का इस्तेमाल करते हैं या फिर गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से यदि हम अपने घर में रोशनी के लिए दीपक जला रहे हैं या फिर बना रहे हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सा आटा मिक्स कर लीजिए और उसके बाद उसे अपने घर में दीपक को जला दीजिए। ऐसा करने से रोशनी तो होगी, आपकी जिंदगी में नए अवसर की रोशनी भी फैला देगा और आपके घर में शांति भी रहेगी। नंबर तीन, मोम का दिए। हम सभी जानते हैं कि यदि हम मार्केट में खरीदारी करने के लिए जाते हैं या फिर दिवाली की शॉपिंग करने जाते हैं, हमें हर प्रकार के दीपक देखने को मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि मोम के दीपक जो कि डेकोरेट किए हुए होते हैं और अच्छे भी लगते हैं, आप अपने घर पर ही बना सकते हैं। आप मोम के दीपक लेकर आए और मोम के दीपक के ऊपर उसके ऊपर मोमबत्ती या फिर आप अपने घर के दिए भी सजा सकते हैं, उसे डेकोरेट करके उसके ऊपर लगा दीजिए। ऐसा करने से वह अच्छा भी लगेगा, सरफेस की तरह भी लगेगा और आप उसे कांच के गिलास के ऊपर सजा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में रोशनी भी रहेगी और वह देखने में अच्छा भी लगेगा। हम आटे से अपने घर पर ही दीपक बना सकते हैं। हम आटे को अच्छे से गूंथने के बाद उसे चार मुखी, पांच मुखी या फिर दो मुखी दीपक तैयार कर सकते हैं और उस पर हम लो जला सकते हैं और उसे अपने घर में ही रख सकते हैं। उस आटे के दिए को आप तैयार कीजिए, तैयार करने के बाद उसे सूखने दीजिए और सूखने के बाद उसे डेकोरेट कर सकते हैं। ऐसा करने से वह अच्छा भी लगेगा और आपके घर पे रोशनी नुमा भी कर देगा। आपके घर में जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में सामंजस्य बना रहेगा। तो ये है कुछ आसान से तरीके, यदि आप अपने घर पे दीपक तैयार करते हैं तो वह आपके घर में रोशनी नुमा भी करेंगे और आपके घर में शांति भी लेकर आएंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।